बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम एफएससी पार्ट वन का चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम है वैरायटी ऑफ लाइफ। आज इस चैप्टर का हम सेकंड टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नोमेनक्लेचर। सो लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट स्लाइड, और उसमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस करती हूँ मैं आपके साथ। और वो पॉइंट्स ये होंगे कि मैं आपको सबसे पहले टॉपिक का इंट्रोडक्शन दूंगी कि इस टॉपिक में हमने किन टॉपिक्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि नोमेनक्लेचर क्या है। जैसा कि आपको पता है कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नेम असाइन करना जो है, उसको हम नोमेनक्लेचर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि रीजंस ऑफ साइंटिफिक नोमेनक्लेचर के रीजंस क्या हैं, कि साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, क्या रीजंस हैं। वो सारी रीजंस डिस्कस करेंगे आज की लेक्चर वीडियो में। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होती है, उसकी डिटेल क्या है, उसकी डिस्कवरी क्या है, किस साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया, क्या डिटेल्स हैं। वो सारी जो डिटेल है, उस साइंटिस्ट की डिटेल, उसके जो इस बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के सिस्टम की डिटेल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। फिर उसके साथ साथ हम देखेंगे कि रूल्स ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, कि क्या रूल्स जो हैं वो उनको फॉलो करके हम बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, या किन रूल्स के अकॉर्डिंग हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देते हैं। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि इम्पॉर्टेंस क्या है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर की, कि अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम असाइन किए जाते हैं तो उसकी असाइन करने के पीछे क्या रीजंस हैं और क्या वजूहत हैं, उसके साथ साथ क्या इंपॉर्टेंस है, अगर हम देते हैं तो उसका फ़ायदा क्या है। क्लियर है? आई होप आपको थोड़ा सा टॉपिक का इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा कि इस पूरी लेक्चर वीडियो में हमने इस टॉपिक को किस तरह जो है वो डिस्कस करना है। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन टू आवर मेन स्लाइड। दिस इज द मेन स्लाइड ऑफ आवर टॉपिक। आज हमने नोमेनक्लेचर डिस्कस करना है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, वो यही है कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नेम असाइन करना, हम उनको नोमेनक्लेचर बोलते हैं। नेक्स्ट हमने कुछ रीजंस डिस्कस करनी है कि क्या रीजंस हैं जिनको जो है वो माइंड में रखते हुए साइंटिस्ट ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की सोची, जिसको हम साइंटिफिक नेम देना कहते हैं, या हम जिनको बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। क्या रीजंस थी जिसके अकॉर्डिंगली ये सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको जैसा कि पता है कि जो लोग होते हैं ना, डिफरेंट लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट चीज़ों का नाम देते हैं। क्यों डिफरेंट चीज़ों के नेम देते हैं? क्योंकि वो उसको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकें। आपको पता है ये तो इंसान की फितरत है कि इंसान मुख्तलिफ चीज़ों को नाम देता है ताकि वो उसको आराम से रिकॉग्नाइज कर सके या उसके लिए आसानी हो सके। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैंने अगर फॉर एग्जांपल मैंने किसी स्कूल के एक खास बच्चे को बुलाना है तो मैं क्या करूँगी, मुझे अगर उसकी क्लास का नाम पता होगा, उसके सेक्शन का नाम पता होगा, देन फिर मैं उसके स्कूल में उसके क्लास और उसके सेक्शन के नेम के साथ साथ मैं उसकी क्लास में जाके फलाने बच्चे को वही मुझे चाहिए तो मैं उसका नेम लेके उसको बुला लूँगी। सो ये मैंने एक रीज़न इसलिए दी क्योंकि आपको पता लगे कि हम जो है वो डिफरेंट चीज़ों को नाम देते हैं ताकि हम आसानी से उसको रिकॉग्नाइज कर लें। ठीक है, इसीलिए डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट नेम्स होते हैं। क्लियर है? अब हम रीजंस की बात कर रहे थे, तो डिफरेंट रीजंस हैं कि जिसके अकॉर्डिंगली हमने जो है वो ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहले रीज़न जो है वो ये है कि डिफरेंट नेम्स फॉर सेम ऑर्गेनिजम्स। एक्चुअली इशू ये था कि पहले वक्तों में लोग क्या करते थे कि किसी भी सेम ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ नाम थे। अब वो हर एरिया के लोग उसको अपना ही नाम दे देते थे चीज़ को, कि मतलब एक एरिया में अगर उसका ये नाम है तो दूसरे एरिया में उसी चीज़ का नेम कोई और है और उस तीसरे एरिया में उसी चीज़ का नाम कोई और है। अब क्या हुआ था कि ये बड़ा एक कन्फ्यूजन सा था, बड़े एक कन्फ्यूजन वाले माहौल में साइंटिस्ट तो थे, वो बड़े परेशान थे कि क्या किया जाए, कौन सा ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाए जिसके साथ साथ आसानी हो जाए कि हम सेम ऑर्गेनिज्म को कोई साइंटिफिक नेम दे दें ताकि हम पूरी दुनिया में उसको एक नाम से रिकॉग्नाइज कर सकें। क्लियर है? अब मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करती हूँ, जैसा कि आपके बुक में लिखा है कि अनियन की एग्जांपल है। अब आपको पता है कि अनियन को, अब ये कॉमन एग्जांपल है ताकि आप समझ सकें, अनियन है ना, अनियन को प्याज बोलते हैं उर्दू में। इसी तरह जो डिफरेंट रीजन्स हैं ऑफ पाकिस्तान के, पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन्स में, अब उस अनियन के ही डिफरेंट नेम है। जैसा कि आपको पता है गंडा कहते हैं लोग पंजाबी में, अनियन को गंडा कहते हैं। इसी तरह अरबी में बसल बोलते हैं और सराइकी में वसल बोलते हैं। तो बड़ी कन्फ्यूजन थी, है तो वो अनियन ही लेकिन एक सेम ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट नेम्स हैं और डिफरेंट एरिया में। अब कन्फ्यूजन है, अगर एक एरिया के बंदे ने दूसरी एरिया में जाके कहना हो कि भाई मुझे गंडा चाहिए तो हालांकि वो उर्दू स्पीकिंग हो तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा। हालांकि ये तो कॉमन एग्जांपल है, मैं सिर्फ आपको एक बताना चाह रही हूँ कि बड़ी कन्फ्यूजन थी इसको लेके, इसीलिए फिर ये सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। तो हम सिर्फ अभी कन्फ्यूजन डिस्कस कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट
वो सिस्टम कैसे इंट्रोड्यूस हुआ वो हम भी डिस्कस करेंगे उसकी डिटेल। उसके साथ साथ आपकी बुक में एक और एग्जाम्पल है अमलतास। अब आपको पता है कि अमलतास जो है वो एक फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है। अब उसके भी डिफरेंट नेम्स थे डिफरेंट रीजन्स में, उसके भी डिफरेंट नेम्स लोग रखते थे, या उसको भी कोई कुछ कहा जाता था कहीं कुछ, जैसा कि अर्गवर्ड हो गया, इस तरह गरमाला हो गया, गोल्डन शावर हो गया, पर्जिंग कैशिया हो गया। सो ये कुछ कॉमन नेम है जो सेम ही प्लांट के लिए लोग जो है वो डिफरेंट एरियाज में उसको बोलते थे, क्लियर है। सो ये बड़ी कन्फ्यूजन थी, पहली रीज़न डिस्कस कर ली। नेक्स्ट रीज़न ये थी कि क्या होता था कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का सेम एक ही नाम था। पीछे हमने डिस्कस किया कि एक ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट नेम थे, अब ऐसा है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के सेम नेम है, एक ही नाम है मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स का, तो ये भी बड़ी कन्फ्यूजन थी। जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ कि डजन्स ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स जिनकी जो फ्लावर्स की शेप है वो बेल शेप्ड थी, अब उनकी सिर्फ एक फ्लावर्स की बेल शेप के अकॉर्डिंगली हम उन प्लांट्स को क्या कहते थे, ब्लू बेल्स। अब ब्लू बेल्स के नेम, उस प्लांट के नेम से ही बड़ी कन्फ्यूजन थी कि हालांकि ब्लू बेल, या इसलिए जो ये मैं प्लांट का नेम जिक्र कर रही हूँ, उसकी शेप तो काफ़ी सारे डजन्स ऑफ प्लांट्स से सिमिलर है, इसका ये मतलब नहीं कि तमाम ब्लू शेप्ड या बेल शेप्ड फ्लावर का सेम ही ब्लू बेल रख दें आप। उसके साथ साथ नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखें कि ब्लैक बर्ड, अब उसको ब्लैक बर्ड मतलब उसकी फिजियोलॉजिकली जो बर्ड है ना वो ब्लैक है, ठीक है, उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस की वजह से उसको क्रो भी बोलते थे और रेवन भी बोलते थे। मतलब अब क्रो एक अलग ऑर्गेनिज्म है, रेवन एक अलग ऑर्गेनिज्म है, बट क्योंकि उसकी फिजिकल अपीयरेंस सेम थी इसलिए लोग क्रो को भी ब्लैक बर्ड बोलते थे और रेवन को भी ब्लैक बर्ड बोलते थे। तो बड़ी कन्फ्यूजन थी कि भाई ब्लैक बर्ड क्रो का जिक्र हो रहा है या ब्लैक बर्ड जो है वो रेवन का जिक्र हो रहा है। नेक्स्ट रीजन समझ आ गई कि क्यों ये रीजन थी कि हमने ये जो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, क्लियर है। अब थर्ड जो रीजन आपकी बुक में मेंशन है वो हम डिस्कस करते हैं, वो ये कि कॉमन नाम दिए गए लोगों ने, कॉमन ही नया नाम उठा के दे दिए, और वो जो कॉमन नाम उठा के दे दिए उसकी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं थी, मतलब किसी भी साइंटिफिक बेसिस को फॉलो करते हुए किसी भी नाम नहीं दिए गए। अब ऐसा था कि जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल फिश की दी हुई, कहते हैं कि बायोलॉजिस्ट के मुताबिक फिश जो है वो ऐसी वर्टिब्री एनिमल है कि जिसको आपको पता है, जिसकी वो कहते थे कि ये ऐसी फिश की डेफिनेशन है जिसके पास बैकबोन हो, फिन्स हो, गिल्स हो, तो बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जिस स्पीशी के पास ये तमाम चीज़ें होंगी वो ही सिर्फ फिश कंसीडर किया जाएगा। उसके अलावा अब ऐसा था कि अब आपको पता है कि कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, सी में तो आपको पता है कि फिश के अलावा प्लांट्स भी होते हैं, डिफरेंट इंसेक्ट्स भी होते हैं, तो अब कहते हैं कि जैसे हम एक इंसेक्ट की बात करते हैं, जैसे कि आपको पता है सिल्वर फिश, अब उसको भी हालांकि वो इंसेक्ट है लेकिन उसको सिल्वर फिश का नाम दिया गया। उसके साथ साथ आपकी बुक में मेंशन है कि क्रे फिश हो गया, जेली फिश हो गया, स्टार फिश हो गया, कहते हैं कि ये तमाम ऐसी फिशेज हैं जिनको नाम तो फिश दिया लेकिन वो बायोलॉजिस्ट की डेफिनेशन ऑफ फिश पे टोटली फिट नहीं बैठती थी, क्योंकि जो बायोलॉजिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग तो फिश ऐसी स्पीशी है जिसके पास बैकबोन हो, फिन्स हो, गिल्स हो, हालांकि ये जो मैंने आपको कुछ नाम दिए कि सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेली फिश, स्टार फिश, इनके पास कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स नहीं थे जो कि बायोलॉजिस्ट की डेफिनेशन ऑफ फिश पे पूरी तरह से फिट बैठे। यही रीजंस थी जिसकी वजह से बड़ी कन्फ्यूजन थी, जिसकी वजह से अब हम जा रहे हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर की तरफ कि ये इसके बाद फिर एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया साइंटिस्ट ने ताकि हम किसी कन्फ्यूजन से आज़ाद किसी एक स्पीशी का कुछ साइंटिफिक नेम रखें ताकि हम पूरी दुनिया में उसको आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकें। क्लियर है, मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और उसमें हम देखेंगे बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। अब बेसिकली ये एक साइंटिफिक सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंगली किसी स्पीशी को या किसी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दिया जाता है। अब इसकी हिस्ट्री हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो ये कि 18th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम चार्ल्स लीनियस था, एक स्वीडिश बॉटनिस्ट था, इसने फिर एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसके अकॉर्डिंगली उसने नेम्स दिए और उसने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स को क्लासीफाई किया। क्लियर है, क्लासीफाई करने के बाद उसने फिर इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली डिफरेंट साइंटिफिक नेम्स असाइन किए। अब उसने क्या किया कि उसने डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स के नेम भी दिए। अब जब उसने साइंटिफिक नेम दिए तो उसने लैटिन वर्ड्स इस्तेमाल किए, मतलब उसने लातिनी जुबान में साइंटिफिक नेम्स दिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के। उसके साथ हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और उसने कहा
कि अब जो ये साइंटिस्ट था जिसका नाम लीनियस था, अब इसने क्या किया, इसने डिफरेंट नेम्स असाइन किए प्लांट्स के भी और डिफरेंट एनिमल्स के भी नेम्स, इसने साइंटिफिक नेम्स जो है वो असाइन किए, और उसको असाइन करने के साथ साथ उन्होंने लिस्ट ऑफ नेम ऑफ प्लांट्स को पब्लिश किया इन 1753, और उन्होंने लिस्ट ऑफ एनिमल्स जो है नेम्स की साइंटिफिक लिस्ट थी वो उन्होंने पब्लिश की इन 1758। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कि साइंटिफिक नेम ऑफ ईच प्लांट हैड टू नेम टू पार्ट्स। अब हुआ कुछ यूँ था कि उसने जो साइंटिफिक नेम दिए उसने उस हर साइंटिफिक नेम के दो हिस्से किए थे। अब उसके हिस्से की क्या डिटेल है वो जब हम रूल्स डिस्कस करेंगे साइंटिफिक नेम की तब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। सबसे पहले आप यहाँ समझें, वो कहता था कि जब उसने साइंटिफिक नेम्स दिए किसी भी ऑर्गेनिजम्स को तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने माइंड में कुछ चीज़ें रखी। उन्होंने कहा या तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम करेक्टरिस्टिक्स को माइंड में रख के उसको साइंटिफिक नेम दे दें, क्लियर है, या तो फिर कहते थे कि जिस पर्सन ने उसको कलेक्ट किया उस बंदे के नाम पे हम चलो जी उसको साइंटिफिक नेम असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करती हूँ जिससे आपको मजीद भी आइडिया हो जाएगा। जैसे आपने पीछे एक ऑर्गेनेली पढ़ी जिसका नाम गोल्जी अपरेटस था, अब आपको पता है कि गोल्जी साइंटिस्ट था जिसने उसको जो है वो डिस्कवर किया, तो उसकी डिस्कवरी उस साइंटिस्ट के नेम पर उसको हमने गोल्जी अपरेटस नाम दे दिया। उसके साथ साथ जैसा कि अब यहाँ जिक्र है, दूसरा पॉइंट ये था कि करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग भी हम कुछ ऑर्गेनिजम्स को नेम देते हैं। जैसा कि अब आपको पता है जो सेंट्रियोल है उसको हमने नाम दिया ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, इसी तरह वैक्यूल है वो हमने नेम दिया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। सो यही रीजन थी तो उसने कहा कि साइंटिफिक नेम, एक तो उसने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया उस साइंटिफिक नेम को, और उसने साइंटिफिक नेम रखते हुए माइंड में दो चीज़ें रखी, या तो जिस पर्सन ने उसको कलेक्ट किया उस पे हम उसको साइंटिफिक नेम दे दें उसके नाम पे, या हम उस चीज़ के या उस ऑर्गेनिज्म की कुछ करेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए उसको साइंटिफिक नेम असाइन कर दिए ताकि हमें थोड़ा सा एक लिंक मिल जाए ये किस चीज़ के बारे में है, ये साइंटिफिक नेम किसके बारे में है या किस चीज़ का ये साइंटिफिक नेम है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कुछ रूल्स की कि जब उसने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया तो उसने क्या रूल्स फॉलो किए और किन रूल्स को फॉलो करने के साथ साथ उसने जो है वो ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम दिए। क्लियर? सबसे पहले अब बाई मीन्स टू एंड नॉमियल मीन नेम देना मतलब ऐसा था कि उसने क्या किया, उसने डिफरेंट साइंटिफिक नेम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। अब वो जो मैंने पीछे भी पार्ट्स डिस्कस किए, जो फर्स्ट पार्ट था ना बेटा साइंटिफिक नेम का, वो उसने कहा कि उसने जीनस नेम से दे दिया कि जो फर्स्ट नेम है वो रेफर टू द जीनस, कि उसकी क्या उस ऑर्गेनिज्म की क्या जीनस है उसको देखते हुए उसने फर्स्ट नेम दे दिया, और वो कैपिटल लेटर में होगा उसने कैपिटल लेटर में लिख दिया। उसके साथ साथ जीनस मीन जेनरिक नेम, इसी तरह उसने जो सेकंड नेम दिया उसको स्पीशी नेम के अकॉर्डिंगली, उसने साइंटिफिक नेम का जो सेकंड पार्ट है उसने स्पीशी नेम के अकॉर्डिंगली दे दिया जो कि जेनरिक नेम के बिल्कुल बाद में आता है, और वो उसने स्मॉल लेटर से लिखा। क्लियर? ये सारी हम रूल हैं, इसके साथ साथ जब हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो आपको ये रूल्स मजीद क्लियर भी हो जाएंगे और आपको स्केच भी माइंड में बैठ जाएगा कि कैसे साइंटिफिक नेम जो है वो लिखे जाते हैं। उसके साथ साथ कहते हैं कि अब एग्जांपल में जैसे वो कहते हैं कि बोथ या तो फिर जेनरिक नेम और स्पीशी नेम, या हम अगर हम इंडिविजुअली पूरे कलेक्टिवली बोलें तो हम कह देंगे कि जी साइंटिफिक नेम को या तो अंडरलाइन कर देते हैं या फिर हम उसको इटैलिक जो लेटर है उसमें हम लिख देते हैं या इटैलिसाइज्ड कर देते हैं उस वर्ड को। जैसे आप नीचे एग्जांपल देख लें, जैसे एलियम सीपा आपको पता है कि जो अनियन को बोलते हैं, तो इसी तरह कहते हैं कि एलियम सीपा में आप या तो उसको अंडरलाइन कर सकते हैं उस वर्ड को, जेनरिक नेम को भी अंडरलाइन कर दें, सीपा जो उसका स्पीशी नेम है अनियन का उसको भी अंडरलाइन कर दें, या आप इसको इटैलियन लेटर में भी लिख सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, उसमें हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करनी है। अब यहाँ कुछ कॉमन नेम है और हमने उसके साथ कुछ साइंटिफिक नेम्स डिस्कस करने हैं। अब आप माइंड में थोड़ा रिवाइज करें कि जैसे हमने पीछे रूल्स डिस्कस किए कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर या साइंटिफिक नेम्स को जैसे हमने लिखने के पीछे कुछ रूल्स थे, हमने सबसे पहला रूल याद करें, मैंने कहा था कि साइंटिफिक नेम के दो हिस्से होते हैं। देखिए दो हिस्से ही हैं ना, पहला जो है हमने कहा वो जेनरिक नेम है, क्लियर, और जो सेकेंड नेम है वो स्पीशी नेम होता है। क्लियर हो गया रूल? उसके साथ साथ हमने कहा था कि या तो ये इटालियन लेटर में लिखा जाता है या तो हम इसको अंडरलाइन करते हैं। क्लियर है? अब और का मतलब या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइंटिफिक नेम को, या आप साइंटिफिक नेम को ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक और रूल याद करें वो ये था कि जेनरिक नेम को हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और स्पीशी नेम जो थे वो हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। क्लियर है? अब एग्जाम्पल देख लें, यह कुछ एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब अनियन है तो अनियन का जो साइंटिफिक नेम है वो है एलियम सीपा, ठीक है। इसी तरह मैन ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है वो होमो सैपियंस है। पोटैटो का जो साइंटिफिक नेम है वो सोलेनम ट्यूबरोसम है। इसी तरह टोमेटो का जो है साइंटिफिक नेम वो लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम है।
उसके साथ साथ जो ब्रिंजल का है वो सोलैनम मिलोंगिना, क्लियर है? सो ये कुछ साइंटिफिक नेम है, ये कॉमन नेम लिखे हुए हैं उनके कुछ साइंटिफिक नेम हैं, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसको देखते हुए आपको तमाम जो रूल्स होंगे वो भी क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। उसके साथ साथ नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं स्लाइड पे, और उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंस डिस्कस करनी है, और वो मैंने आपको बताया था कि हम लास्ट पे इसकी कुछ इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है, हम क्यों एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं, और उस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ हम क्यों किसी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम असाइन करते हैं। कहते हैं कि एवरी स्पीशी हैज़ वन साइंटिफिक नेम द वर्ल्ड ओवर, ताकि एक ही स्पीशी के पूरी दुनिया में एक साइंटिफिक नेम हो जाए। उसके साथ साथ इनिशियली द क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन द अपीयरेंस और मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, के जो क्लासिफिकेशन की जाए वो या तो अपेरेंस और उसकी जो मॉर्फोलॉजी है प्लांट्स और एनिमल्स उसके अकॉर्डिंगली हम क्लासीफाई भी कर दें, क्लियर है, ताकि साइंटिफिक नेम से उसके कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स का हिंट भी हमें मिल जाए कि हम किस स्पीशी का डिस्कस कर रहे हैं। उसके साथ साथ है मॉडिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन, कि कैसे उसने क्लासिफिकेशन में मॉडिफिकेशन की, लाइक उसने जब साइंटिफिक नेम दिए तो उसने कैसे साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी को मायने में रखते हुए जो है वो क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया था ऑर्गेनिजम्स की। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो भी सारे के सारे क्लासिफिकेशन के पे ही बेस्ड है। हम देखेंगे कि कैसे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम्स इंट्रोड्यूस हुए, वन बाय वन हम उसकी डिटेल भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह हमारी आने वाली लेक्चर वीडियो में। सो यहाँ तक ही था हमारा आज का टॉपिक, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल लेक्चर वीडियो के साथ पेश होती हैं आपकी खिदमत में। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।